हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु जी। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने वाला हूं, एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाला हूं जिसने 3 साल के अंदर $1 बिलियन की कंपनी खड़ी की। और दोस्तों आपको आश्चर्य होगा, ये जो लड़की है वो इंडियन है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ अंकिति बोस के बारे में। दोस्तों इन्होंने इंडिया से पढ़ाई की और इन्होंने ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सारे प्रिंसिपल, सारे रूल को चेंज कर दिया। हमारे देश में जहाँ ई कॉमर्स का मतलब मोला जाता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वहाँ से शुरू होता है हमारे ई कॉमर्स बिजनेस और वहीं ख़त्म हो जाता है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को बदल सकता है, और ऐसा करके दिखाया अंकिति बोस ने। दोस्तों ने 3 साल के अंदर इतनी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी खड़ी कर दी जो अमेजोन भी कभी नहीं कर पाई। दोस्तों अंकिति बोस ने अपने दोस्त के साथ एक कंपनी खड़ी की। कैसे खड़ी की वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार अंकिति थाईलैंड गई घूमने, वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, अनऑर्गेनाइज है सारा, और ई कॉमर्स बिजनेस दूर दूर तक है ही नहीं। तो उन्होंने प्लान किया कि अगर हम यहाँ अगर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करें अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह, तो पूरा मार्केट खाली है, हम पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और अंकिति ने ऐसा किया भी। उन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया सिंगापुर में, टेक्निकल सपोर्ट ली इंडिया से, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के जो भी कंट्री थे उन्हें कैप्चर कर लिया। 3 साल के अंदर ही ये कंपनी इतना ग्रो हुई। अंकिति ने सेम ऐसा ही प्लेटफॉर्म बनाया जैसा अमेजोन और फ्लिपकार्ट का है। वहाँ जो सेलर हैं लिस्टिंग कर सकते हैं, और उसके बदले जब प्रोडक्ट सेल होगा तो उन्हें कमीशन देना हो सकता है, वो 5 से 20% तक था। क्योंकि इंडिया में कंपटीशन है, 4 से 5 बड़ी कंपनी है, US में है, UK में, इन सभी जगह कंपटीशन है, चाइना में कंपटीशन है। लेकिन दोस्तों जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री थे, जैसे थाईलैंड हो गया या बाकी अदर कंट्री, वहाँ कोई भी कंपटीशन नहीं था। और क्योंकि वहाँ पहली बार ऐसा हुआ था, तो बहुत सारे नए सेलर, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस इनके साथ जुड़ गए, और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाने के लिए इनके साथ बिजनेस करने लगे। क्योंकि कोई और अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए ये कंपनी काफ़ी जल्दी से ग्रो हो गई। तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप थोड़ा सा अलग सोचेंगे तो कुछ बेहतर कर पाएंगे, ऐसा ही अंकिति ने किया। दोस्तों और जो अंकिति ने कंपनी बनाई उसका नाम था जिलिंगो। दोस्तों जिलिंगो का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गॉड्स, और ये इनके लिए बाकी एक गॉड का गिफ्ट था। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम भी आपने इंडिया में नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए इस कंपनी ने 3 साल में हिस्ट्री चेंज कर दी है। और कहा जा रहा है आने वाले समय में ये ई कॉमर्स कंपनी शायद अमेजोन और फ्लिपकार्ट को भी काफ़ी पीछे छोड़ सकती है। तो दोस्तों जिलिंगो और किस ऊंचाई तक जाएगी, और हम बोल सकते हैं जो ई कॉमर्स की नई क्वीन है वो कहाँ तक पहुँचेंगी, इसके लिए मैं आगे भी फ्यूचर में वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।